मैं हूँ संतोष और गाइस आपके लिए यार मैं आज अपनी शादी से भाग के आया हूँ। गाइस देख रहे हो अभी भी मेरा हाथ में गले में माला और हाथ में बॉटल है। गाइस आपके लिए मेरी फर्स्ट पेटी वीडियो बनाना और आपको एंटरटेन करना। तो गाइस मैं आज अपनी शादी से भाग के आया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो यार उस वीडियो के लिए जरूर से लाइक का बटन तो बनता है ना, लाइक तो फोक दो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ इस पानी के साथ जो कि हम नॉर्मली पीते हैं। तो और इस पानी का कलर तो आपने ट्रांसपेरेंट देखा है, क्या गाइस आपने सोचा है इस पानी का कलर कभी चेंज हो सकता है? गाइस आज की वीडियो में वही करके दिखाऊंगा कि पानी का कलर कैसे चेंज किया जाता है और कैसे उसको हम पानी के कलर को हर 2 से 3 सेकंड के अंदर डिफरेंट कलर्स यानी रेनबो कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। तो यार फटाफट से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गाइस वीडियो के लिए नहीं तो यार मेरे गले के माला के लिए है चैनल को लाइक का बटन ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में। It's all about humanity. तो गाइस मैं आ गया हूँ और गाइस आपके लिए मैं आज एक ट्रांसपेरेंट बीकर खरीद के लाया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि इस कांच के गिलास में ये दिखने वाला है नहीं, जो रिएक्शन होने वाला है तो बहुत ही गजब तरीके का रिएक्शन है और इसके लिए चाहिए हमें कुछ केमिकल। उस केमिकल का नाम है कास्टिक सोडा जो कि ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज आता है। कास्टिक सोडा हमारे पास इस पैकेट में और चाहिए हमें पोटेशियम परमैंगनेट जो कि इजली नॉर्मल जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और चाहिए एक केमिकल जो कि आपको पता है H2O। ठीक है तो सबसे पहले हम अपने गिलास के अंदर और गाइस 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 एक केमिकल और आपको बताना चाहूँ, वो केमिकल है शुगर, चीनी। ठीक है चीनी के मदद से और कास्टिक सोडा के मदद से इसका एक रिएक्शन वो तैयार करेंगे घोल। ठीक है तो सबसे पहले इसको घोल तैयार करते हैं। और जब तक ये मिक्स होता है इसमें अब दूसरे जगह पे ले लेते हैं हम इसमें पोटेशियम नाइट्रेट वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी हाफ ग्लास और इसमें हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। गाइस देखो इसमें भी हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो मिक्स हो चुका है फाइनली और इसमें जो हमारा कास्टिक सोडा है ये भी मिक्स हो गया है। इसको एक बार और मिक्स कर लेते हैं थोड़ा, ये जो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है गाइस। ठीक है तो गाइस आपके सामने अब सब कुछ। ठीक है ये देखो ये रहा मेरा बीकर और इसमें डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो मैंने डाल दिया गाइस, ये देखो गाइस 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 देखो ये जो है सबसे पहले ग्रीन फॉर्म में गाइस येलो गाइस अब हो चुका है ये ब्राउन। अब गाइस ये हो गया रेड रेडिश। आपको मैं दिखाता हूं इसके ऊपर रख के गाइस देखो देखो गाइस इसका जो कलर है वो चेंज होता ही जा रहा है। अभी गाइस रेड है अब ऑरेंज हो गया ये गाइस देखो गाइस हमारी वाइन बन चुकी है अब। ठीक है वाइन वाइन बन गई है गाइस। सबसे पहले इसमें से निकला ग्रीन देन ब्राउन येलो रेड और गाइस इसका जो कलर रिएक्शन था ना वो फटाफट से चेंज होता चला गया। ठीक है गाइस गाइस अगेन ये ग्रीन हो गया ये देखो गाइस ग्रीन हो गया ना। तो गाइस देखा आपने जो कलरफुल रिएक्शन है। तो गाइस इसी कलरफुल रिएक्शन के लिए यार एक वीडियो के लिए लाइक तो बनता है ना। तो यार ये वीडियो के लिए लाइक बन कर लाइक डाल दो यार, एक वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ गाइस
कि यार ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि गाइज आपके लिए मैं अपनी शादी से भाग के आया हूँ, ठीक है। इतना तो यार मेरा फर्ज बनता है ना शादी से भाग के आने का, और आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करने का। तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय श्री राम।